अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एसटीएलसी मॉडल टाइप वी मॉडल। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम आवर आउटलाइन। इन दिस वीडियो वी विल कवर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वी मॉडल, व्हाट इज वी मॉडल, वी मॉडल डिजाइन फेजेस, वी मॉडल एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल, व्हेन वी नीड वी मॉडल एंड वी मॉडल वर्सेस वाटरफॉल मॉडल। हम इसकी डिजाइन फेजेस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए पॉल रोक ने 1980s में वी मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया और यूरोप एंड यूके ने इसको एज अ अल्टरनेटिव ऑफ वाटरफॉल मॉडल इसको एक्सेप्ट किया। इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वी मॉडल को एक एक्सटेंशन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया गया वाटरफॉल मॉडल की। इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी और क्वालिटीज़ को रखी गई वाटरफॉल मॉडल के बाद। ईच फेज मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगेन्स। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एक फेज़ कम्प्लीट हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट फेज को स्टार्ट किया जाता है। इंस्टेड ऑफ मूविंग इन लीनियर वे, प्रोसेस स्टेप्स आर बेंट अपवर्ड। वाटरफॉल मॉडल में जो प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो एक लीनियर वे में मूव कर रहे होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो जब डायग्राम आप इसकी देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसमें वो हमें क्या कह रहा है। ठीक है, एम्फसाइजिंग ऑन टेस्टिंग इज मोर व्हेन कंपेयर्ड विद द वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें क्या किया जाता है कि टेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हाई क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रांटेड। तो वी मॉडल को यूज़ करते हुए हम हाई क्वालिटी वो कह रहे हैं प्रोडक्ट को हम ग्रांटेड करते हैं। ठीक है, वन साइड ऑफ वी यानी कि वी जो मॉडल है उसकी एक साइड जो होती है उसको हम वेरीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, एंड द वैलिडेशन फेजेज ऑन द अदर हैंड। और दूसरी जो साइड होती है, जो फेजेज होती हैं, वो हमारे पास वैलिडेशन फेजेज होती हैं और इन बिटवीन टू साइड्स जो कोडिंग होती है ना, वो उन दोनों साइड्स को ज्वाइन करती हैं। एज वी कैन सी इन दिस डायग्रामेटिक व्यू ऑफ वी मॉडल, तो ये हमारे पास एक वी शेप मॉडल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी ये जो एक साइड है, ये वाली, ये वेरिफिकेशन साइड है। ठीक है, ये जो साइड है हमारे पास, ये हमारे पास वेरिफिकेशन फेजेज हैं और ये हमारे पास जो हमें नज़र आ रही हैं ये वैलिडेशन फेजेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप, जब यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट्स ली जाती है कि वो किस तरह की प्रोडक्ट चाहता है, उसकी कंप्लीट, उससे हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम जब कलेक्ट किया जाता है, तो तब क्या होता है उसके साथ जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की फ़ेज़ है ना, उसको भी प्लान किया जाता है कि आया कि जो हमने उसको प्रोडक्ट बना के दी है कस्टमर को, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसी तरह सिस्टम डिज़ाइन जब किया जा रहा होता है तो उसकी सिस्टम टेस्टिंग भी साथ प्लान की जाती है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जब किया जाता है तो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग साथ प्लान की जाती है। मॉड्यूल को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसकी यूनिट टेस्टिंग साथ प्लान की जाती है, और कोडिंग इन दोनों फेजेस को आपस में ज्वाइन करती है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हमारी जो वेरिफिकेशन फेजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ ही हम उसकी वैलिडेशन फेजेस भी डिस्कस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो बिज़नेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें हम एक डिटेल कम्युनिकेशन करते हैं कस्टमर के साथ, उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए उसकी डिटेल बातचीत की जाती है कस्टमर के साथ कि वो किस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहता है, वो उसमें उसकी क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोडक्ट को लेके। और जब हम ये सारी उससे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कस्टमर से उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाती है, तो उसकी बेस पे, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे जब हमारा हमारी प्रोडक्ट है वो बन जाती है, तो उसकी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एक्सेप्टेंस टेस्ट डिज़ाइन उस पर हम टेस्ट करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिलीवर एबल है या नहीं है। जो यूज़र ने हमें, जो कस्टमर ने हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट दी हैं उस पर वो पूरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है। तो उसके साथ हम जब हम रिक्वायरमेंट ले लेते हैं कस्टमर से, तो उसके साथ हम उसकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है जो, वो भी हम प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फेज़ आती है, उसके बाद आ जाती है जी सिस्टम डिज़ाइन फेज़। सिस्टम डिज़ाइन फेज विल हैव द अंडरस्टैंडिंग एंड डिटेलिंग द कम्प्लीट हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशन सेट फॉर द प्रोडक्ट अंडर डिवेलपमेंट। इसमें सिस्टम क्या कम्प्लीट डिज़ाइन किया जाता है कि उस सिस्टम का डिज़ाइन क्या होगा, उसकी कंप्लीट हार्डवेयर कम्युनिकेशन सेटअप को डिसाइड किया जाता है। और जब सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसी के साथ हम सिस्टम टेस्ट प्लान भी, सिस्टम का जो टेस्टिंग प्लान है वो भी तैयार कर लिया जाता है। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है जी आर्किटेक्चर डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन बेस करता है एक प्रोडक्ट की टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को, और इसमें जो फाइनल डिसीजन होता है वो लिया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम डिज़ाइन जो होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो मॉड्यूल्स में डिफाइन करते हैं, टेकिंग अप डिफरेंट फंक्शनैलिटी। उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। दिस आल्सो रेफर्स टू द हाई लेवल डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो होता है उसको हम हाई लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द डाटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल मॉड्यूल्स एंड विद द आउटसाइड वर्ल्ड अदर सिस्टम इज क्लियरली अंडरस्टूड एंड डिफाइंड इन दिस स्टेज। इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होगा और कम्युनिकेशन होगा इसके इंटरनल मॉड्यूल्स के साथ और दूसरे सिस्टम्स के साथ, सिस्टम ने कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो किस तरह उसका मतलब हार्डवेयर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आ जाएंगी। विद दिस इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन टेस्ट कैन बी डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इस स्टेज के साथ ही हम जो उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है ना वो हम प्लान कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसी बेस पे की जाती है आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बेस पे, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल डिज़ाइन। मॉड्यूल डिज़ाइन में क्या है कि इन दिस इज द डिटेल इंटरनल डिज़ाइन फॉर ऑल द सिस्टम मॉड्यूल इज स्पेसिफाइड रेफर टू एज अ लो लेवल डिज़ाइन। आर्किटेक्चर डिज़ाइन था उसको रेफर किया जाता था कि ये हाई लेवल डिज़ाइन है, और जो लो लेवल डिज़ाइन है उसको हम मॉड्यूल डिज़ाइन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया जाता है, उसकी कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है सिस्टम के दूसरे मॉड्यूल्स के साथ और उस और एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ, के दूसरे मॉड्यूल्स के साथ वो किस तरह वर्क कर रहा है, अपने जो सिस्टम के बाकी मॉड्यूल्स के साथ किस तरह कर रहा है, अगर हम जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं उनके साथ वो कैसे इंट्रैक्ट करेगा, उनके साथ कैसे उसकी कंपैटिबिलिटी है। तो इस फेज में जो यूनिट टेस्ट होता है वो भी डिज़ाइन किया जाता है। एज़ यू नो दैट जब मॉड्यूल को डिज़ाइन किया जाए तो उसी की बेसिस पे हम उसकी यूनिट टेस्टिंग करते हैं। सो द एक्चुअल कोडिंग ऑफ द सिस्टम मॉड्यूल्स डिज़ाइन इन द डिज़ाइन फेज इज़ टेकन अप इन द कोडिंग फेज। अब डिज़ाइन फेज के बाद हमारी कोडिंग फेज आ जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो जो सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने सिस्टम का डिज़ाइन डिसाइड किया है और उसका आर्किटेक्चर जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए एक सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है। द कोडिंग इज़ परफॉर्म बेस्ड ऑन द कोडिंग गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स। उस कोडिंग की जो गाइडलाइन और स्टैंडर्ड्स होंगे उनको उसकी बेस पे उसकी जो कोडिंग है वो परफॉर्म की जाएगी। तो इसमें क्या होता है, जो कोड होता है उसको मल्टीपल टाइम्स उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, और उसको रिपोजिट करने से पहले बहुत दफ़ा उसको चेक भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो हम फेजेस आ जाती हैं, हम वैलिडेशन फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या आ जाता है, यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्ट डिज़ाइन इन अ मॉड्यूल डिज़ाइन फेज, जब हम मॉड्यूल डिज़ाइन फेज कर रहे होते हैं तो साथ हम उसका क्या करते हैं, उसका यूनिट टेस्टिंग भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हम वो भी प्लान कर रहे होते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, तो यूनिट टेस्टिंग इज़ द टेस्टिंग एट कोड लेवल एंड हेल्प टू एलिमिनेट द बग्स एट इन अर्ली स्टेज। तो ये यूनिट टेस्टिंग जब कोड लेवल पे की जाती है, तो इसमें अगर हमारी कोडिंग में कोई बग्स वगैरह है ना तो उसको हम अर्ली स्टेज पे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपने वी मॉडल शेप को भी देखा, उसमें भी ये इसके साथ एसोसिएट कर रही होती है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी उसकी हम प्लान कर रहे होते हैं, और आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बेस पर ही हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म टू टेस्ट द को एग्जिस्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनल मॉड्यूल्स विद इन द सिस्टम। जो इंटरनल मॉड्यूल्स हैं सिस्टम के, उसकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना उसको टेस्ट करने के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन फेज से एसोसिएट है। तो ये उसकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, तो ये उसी के रिलेटेड होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम टेस्टिंग। सो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग, ये वैलिडेशन फेज है, तो सिस्टम टेस्टिंग इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द सिस्टम डिज़ाइन फेज। जब सिस्टम डिज़ाइन फेज की जाती है तब हमें सिस्टम टेस्टिंग भी प्लान करनी होती है। तो सिस्टम टेस्ट चेक द इंटायर सिस्टम फंक्शनैलिटी। इसमें क्या किया जाता है, पूरे सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है ना उसको चेक किया जाता है। एंड द कम्युनिकेशन द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट विद एक्सटर्नल सिस्टम्स, और इसमें एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ भी उस सिस्टम की कम्युनिकेशन को टेस्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज कैन बी अनकवर्ड ड्यूरिंग सिस्टम
टेस्ट एग्जीक्यूशन, तो हार्डवेयर की जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं वो इस टेस्ट सिस्टम टेस्टिंग में वो कवर हो जाते हैं, कि वो जो हमारा हमारी जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो कम्युनिकेशन है वो एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ किस तरह है, उसकी हार्डवेयर कंपैटिबिलिटीज़ के जो इशू क्रिएट होंगे वो किस तरह हैं, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस फेज पे उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो कि हमारी लास्ट स्टेज है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो एसोसिएट करती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ, के जो यूज़र ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है उसके रिलेटेड हमने अपना सिस्टम बना लिया, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेंस टेस्ट अनकवर्ड द कंपैटिबिलिटी इश्यूज विद अदर सिस्टम्स अवेलेबल इन द यूज़र एनवायरनमेंट। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है, ये यूज़र एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करके देखा जाता है। इट आल्सो डिस्कवर द नॉन फंक्शनल इश्यूज सच एज द लोड एंड परफॉर्मेंस डिफेक्ट्स इन द एक्चुअल यूज़र एनवायरनमेंट। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, ये जो यूज़र का एनवायरनमेंट होता है ना, उस प्रोडक्ट को वहाँ पर चेक किया जाता है। इस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ हाईली डिसिप्लिन मॉडल एंड फेसिस आर completed one at a time, works well for smaller projects where requirements are very well understood, simple and easy to understand and use. ये कह रहा है कि सिंपल इस मॉडल को जब हमारे पास हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट या तो उसकी जो स्मॉल हो या मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ कर लें, और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हों वो वेल अंडरस्टूड हों और सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। ये इजी टू मैनेज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ दिस मॉडल, ईच फेस हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड रिव्यूज प्रोसेस। इसको मैनेज करना इजी है, ईच फेस हैज स्पेसिफिक डिलीवरेबल एंड रिव्यू प्रोसेस है, तो हम इसको रिव्यू, क्योंकि हर एक स्टेज पे इसकी जब इसको डिज़ाइन किया जा रहा होता है साथ साथ इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। डिसएडवांटेजेस के कुछ हैं, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है इसको, इसमें हाई जैसे कि इसकी वाटरफॉल मॉडल की निस्बत इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नॉट अ गुड फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, और कम्प्लेक्स जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स टाइम बाई टाइम चेंज होती रहती हैं, तो उनके लिए ये मॉडल सूटेबल नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एट द मॉडरेट और हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस प्रोजेक्ट में चेंजिंग और हाई रिस्क है तो वहाँ पर ये सूटेबल नहीं है। वंस एन एप्लीकेशन इज इन द टेस्टिंग स्टेज, अगर एक एप्लीकेशन अगर ये टेस्टिंग स्टेज में है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो बैक एंड चेंज फंक्शनैलिटी, तो इसमें हम बैक जाके उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज करना पड़े तो हम टेस्टिंग करते वक्त उसकी फंक्शनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाटरफॉल मॉडल और वी मॉडल के कुछ डिफरेंस को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो वाटरफॉल मॉडल है इसमें जो स्टेप्स हैं वो लीनियर मूव करते हैं, जबकि वी मॉडल में जो स्टेप्स हैं वो अपवर्ड बेंड करते हैं, यानी कि वी शेप बनाते हैं। वी मॉडल में क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है ना एट द सेम टाइम डेवलपमेंट फेजेस के साथ स्टार्ट हो जाती है, तो जबकि वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं था। इसका डिसएडवांटेज यही था कि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता था कि जब डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट की एंड हो जाती है उसके बाद उसकी टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है, जिससे हम वापस जाके हम चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन वी मॉडल में ये एक हमें थोड़ी सी एफिशिएंसी देता है कि हम इसमें जो टेस्टिंग होती है वो अर्ली स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।